Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. कनेडा ने भी काबुल में अपना सिफारत बंद कर दिया कनेडियन हुकाम का कहना है कि कनेडियन एहलकारों की हिफाजत अवलिन तरजीह है हालात बेहतर होने पर सिफारत को खोल दिया जाएगा कनेडियन सूबे ओंटेरियो में मोहली कोरोना वबा के वार जारी मुसलसल पांचवें रोज पाँच सौ से ज्यादा केसेस टोरंटो में रिपोर्ट हुए कनेडा में विफागी इंतबात के सिलसिले में तैयारियों का आगाज सियासी कैदी आइंदा माह टेलीविजन मुबाहिसों में आमने सामने होंगे हुक्मरान लिबरल्स एक पार्लियामेंट में अक्सरत हासिल करने के लिए पुरीद हैं कनाडा भर में कोरोना वायरस की मूज वबा एक बार फिर सर उठाने लगी मरीजों की मजमुई तादाद चौदह लाख पचपन हजार नौ सौ तिहत्तर तक जा पहुंची जबकि हलाकतें छब्बीस हजार सात सौ चार हो गई अमरीकी सदर का कहना है कि तालिबान से मुखरत का अशरफ गनी ने इनकार किया और भाग निकले तुर्क हुकाम का कहना था कि तुर्की ने तालिबान के पैगाम को मजबत अंदाज में देखा है अफगानिस्तान में खातिन एंकर्स के साथ चैनल दोबारा ऑन ईयर हो गए दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराध की तादाद बीस करोड़ अट्ठासी लाख से तजावज कर गई, मूजी वायरस से बात तैतालीस लाख छियासी हजार दो सौ चालीस हो गई, अठारह करोड़ इकहत्तर लाख तिरानवे हजार दो सौ उनहत्तर से ज्यादा कोरोना मरीज ऐहतियाब हो चुके हैं हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसी के साथबू और मुकम्मल और हाथ नर्म मुलायम और साफ आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर खरीदेंटर करें www.greenish.com कनाडा के विफाकी वज्राय खारजा इमिग्रेशन और दिफा ने एक मुश्तर बयान में कहा कि अफगानिस्तान में कनाडा के सफी से मुशाफरत के बाद काबुल में हमारी सिफारती कारवायाँ आर्जी तौर पर मअल करने का फैसला किया गया मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन वज़र अजम जस्टिन टूडो ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की पेश क़दमी हैरान कन थी तमाम एजेंसियों के अंदाज़े गलत साबित हुए और वहाँ मौजूद नैटो अफवाज और सफारतकों को एमरजेंसी में निकलना पड़ा अफगानिस्तान से इतिहादियों को निकालने के लिए काम करने वाले कैनेडियंस ने इंतार खौफ और मायूसी का जिक्र किया जब कैनेडा ने काबुल में अपना सफारत खाना बंद कर दिया और तालिबान के दारकूमत पर पेश पेशकदी के दौरान सफारती ताल्लुक मअल कर दिए कैनेडियन हुकूमत ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल सफारत खाने में तहफुज़ और सलामती को यकीनी बनाने की इसकी सलाहियत के लिए संगीन चैलेंज है विफाकी वज्राय ख़ारजा इमिग्रेशन और दिफा ने एक मुशतरक बयान में कहा कि अफगानिस्तान में कैनेडा के सफीर से मशावर के बाद काबुल में हमारी सफारती कार्रवाइयाँ आरजी तौर पर मअतल करने का फैसला किया गया वज्रा ने कहा कि कनेडियन एहलकारों की हिफाजत अवलिन तरजीह है उन्होंने मजीद कहा कि अमला बिफाजत कैनेडा वापस जा रहा है उन्होंने कहा कि जैसे ही अफगानिस्तान में सलामती की सूरत हाल हमें अपने अमले के लिए मुनासिब सर्विस और मुनासिब सिक्योरिटी की जमानत देने की इजाज़त देगी कनाडा का सिफारत खाना अपनी कार्रवाई दोबारा शुरू कर देगा कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है भर में मुसलसल पांचवे रोज पाँच सौ ऐसी रिपोर्ट हुए इस हवाले ऐसी मजीद जानते हैं कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है सूबे में मुसलसल पाँचवें रोज पाँच सौ से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए सूबाई केसेस की कुल तादाद अब पाँच लाख छप्पन हजार सतासी हो चुकी है रिकॉर्ड किए गए पाँच सौ छब्बीस नए केसेस में तीन सौ तिरपन वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद थे साठ को जजवी तौर पर वैक्सीन लगाई गई थी और एक सौ तेरह केसेस ऐसे अफराद के थे जिन्हें मुकम्मल वैक्सीन लगाई जा चुकी थी पीर के रोज़ ट्रंटो में 128 सौ पील रीजन में तेरासी यार्क रीजन में छियासठ हेमिल्टन में बावन और विंसर एसेक्स में छियालीस केसेस रिकॉर्ड किए गए दीगर तमाम मकामी सिहत आमा यूनिट्स ने सूबा रिपोर्ट में 40 से कम नए केसेस रिपोर्ट किए दूसरी जानब सूबा हुकाम पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के साथ स्कूलों में वैक्सीनेशन क्लिनिक चलाने के लिए काम कर रहे हैं स्कूल वैक्सीनेशन प्रोग्राम सूबे की डेल्टा के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा क्योंकि तालब इल इस मौसम खजा में वापस आते हैं कनाडा में इंत के हवाले से राय शुमारी से पता चलता है कि लिबरल्स मुसलसल तीसरा इलेक्शन जीतेंगे लेकिन तीन सौ नशस्तों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में दोबारा अक्सर हासिल नहीं कर सकेंगे मजीद तफी इस रिपोर्ट में कैनेडा में हुकूमत की जानब से इंतबात के ऐलान के बाद से इंतारी सरगर्मियों का आगाज हो गया है कैनेडा की वफाकी जमातों के रहनमां अगले माह टेलीविजन मुबासों में आमने सामने होंगे फ्रांसीसी जबान में होने वाली सियासी अमूर से मुतालिक इंत मामला की बहस आठ सितम्बर को रात आठ बजे से दस बजे तक होगी रेडियो कैनेडा के पेट्रस रॉय इस प्रोग्राम के मेज़बान होंगे और अंग्रेजी जबान में बहस नौ सितंबर को रात नौ बजे से ग्यारह बजे तक होगी और इस प्रोग्राम की मेजबानी एनचिस रेड इंस्टीट्यूट के सदर शिची क्रिल के जिम्मे होगी कैनेडियन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ गेटिनि क्यूबैक दोनों मुबास का मुकाम होगा जिसे मीडिया तनजीमों के इतिहाद ने तैयार किया है लीडर्स डिबेट्स कमीशन ने जून में कहा था कि शिरकत के लिए मदु किए जाने के लिए एक सियासी जमात को कम से कम तीन में से एक शर्त को तो जरूर पूरा करना होगा जिनमें हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी की तरफ से इब्तदाई तौर पर पार्टी के बैनर के तहत मुंतखब किया जाना किसी पार्टी के उम्मीदवारों को दो हजार उन्नीस के इंतबात में डाले गए दुरुस्त वोटों की तादाद का कम अज कम चार फीसद हासिल करना या राय आमा के जायजों के मुताबिक इंतबात की तारीख के पाँच दिन बाद उसे कम अज कम चार फीसदी हमायत हासिल होना जरूरी है मुल्क में बीस सितम्बर को मनक़द होने वाले कबल अस वक्त इंतबात में सत्ताईस इशारिया तीन मिलियन राय दहंदगा तीन सौ अड़तीस पार्लिमानी अरकान का इंतब करेंगे राय शुमारी से पता चलता है कि लिबरल्स मुसलसल तीसरा इलेक्शन जीतेंगे लेकिन तीन सौ नशस्तों वाले हाउस ऑफ कामन में दोबारा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेंगे टूडो के पास फिलहाल सिर्फ अकलीतों की नशस्तें हैं जिसकी वजह से वो हुकूमत करने के लिए दूसरी जमातों पर इहसार करते हैं कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबिक सूबे में हुई हैं सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद तीन लाख इक्यासी हजार नौ सौ छियानवे है मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिरी इतलात के मुताबिक कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मजमु तादाद चौदह लाख पचपन हज़ार नौ सौ तिहत्तर तक जा पहुँची है जबकि हलाकतें छब्बीस हजार सात सौ चार हो गई जबकि चौदह लाख दस हज़ार निन्यानवे मरीज सेहतियाब हो चुके हैं ऑनटेरियो सूबे में करोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है सूबे भर में करोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद पाँच लाख छप्पन हजार सतासी तक जा पहुँची है जबकि हलाकतों की तादाद नौ हज़ार चार सौ है कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबैक सूबे में हुई हैं सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद तीन लाख इक्यासी हजार नौ सौ छियानवे है जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद ग्यारह हजार दो सौ बयालीस तक पहुँच चुकी है कैनेडियन सूबे अलबरटा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है जहाँ दो लाख चालीस हजार तीन सौ छियालीस अफराद करोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि दो हज़ार तीन सौ अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद एक लाख छप्पन हजार पाँच सौ तेरह तक जा पहुँची है जबकि सूबे में करोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद एक हज़ार सात सौ अस्सी है तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लामी खवानी के नफाज और खुवा को तमाम शराब देने का ऐलान कर दिया है तर्जुमान जबील्ला मुजाहिद ने कहा की गैर मुल्की सफारत को सिक्योरिटी की मुकम्मल जमानत देते हैं तालिबान के तर्जुमान जबील्ला मुजाहिद का पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था की आज़ादी हमारा हक था जिसे हमने हासिल कर लिया ताहम किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा यकीन दहानी कराते हैं किसी से कोई तसादुम नहीं होगा जबील्ला मुजाहिद ने ऐलान किया कि अमारत इस्लामी किसी से इंतकाम नहीं लेगी यकीन दहानी कराते हैं अफगानिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा सरबराह के हकम पर सबको माफ कर दिया तलिबान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन नहीं बनाना चाहते तमाम सियासी जमातों पर मुश्तम इस्लामी हुकूमत तश्ील देंगे उनका कहना था कि काबुल में सफारत खानों की सिक्योरिटी बहुत अहम है सिफारत खानों को मकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी गैर मुल्की सफारत कारों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराता हूँ उन्होंने कहा कि की सबक अहली से काबुल में सिक्योरिटी का मसला पैदा हुआ हम इकतदार की मुंतकली से पहले काबुल में दाखिल नहीं होना चाहते थे लेकिन किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए काबुल में दाखिल हुए शहर को लूट मार से बचाने के लिए काबुल में दाखिल होना पड़ा तर्जुमान ने कहा कि हम अपने मजहब और सकाफत के मुताबिक अमल करेंगे मगरबी दुनिया को हमारी इकदार और सकाफत से परेशान नहीं होना चाहिए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि खुतिन के खिलाफ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बढ़ता जाएगा अफवा खानवायद जवाब के मुताबिक तमाम शोबों में अपना किरदार अदा कर सकती हैं अमरीकी सदर जो बैडन का कहना था कि हमने अफगान फौज को तनख्वाहें तक दी फ़ाई से लेस किया मगर उन्हें लड़ने का और ना दे सके मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर जो बैडन ने कहा है कि उन्होंने अशरफ गनी को मशवरा दिया था कि वो तालिबान से मुजाक करें मगर उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा की अफगान फौज तालिबान से लड़ेगी अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिकन ब्रीफिंग में अमरीकी सदर जो बैडन का कहना था अशरफ गी गलत निकले अफगान रहनुमा हौसले छोड़ गए और मुल्क से भाग निकले अमरीकी सदर ने एक बार फिर तालिबान को तंबी की कि अगर उन्होंने अमरीका के इन खिला के मनसूबे में रुकावट डाली तो अमरीका का रद्द अमल फौरी होगा और हम अपने लोगों का दिफा तबाहकुन क़ुवत से करेंगे अमरीकी सदर जो बैडन ने सबक अफगान हुकूमत की फौजी शिकस्त पर भी खुलकर बात की और कहा की हमने अफगान फौज को तनख्वाहें तक दी फ़ाईत से लेस किया मगर उन्हें लड़ने का आजम और जरूरत न दे सके उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई कि अमरीकी फौज की वापसी के फ़ैसले पर शर्मिंदगी नहीं तुर्क वजर खारजा म्यूरो चाविश ओलो का कहना है कि तुर्की ने तालबान के पैगाम को मस्बत अंदाज में देखा है ईरानी सदर अब्राहिम रईसी का कहना है कि अफगानिस्तान में अमरीका की शिकत से अमन आ सकता है दूसरी जानब फ़लस्तनी मज़ाती तनजीम हमास ने तालबान क़्यादत को मुबारकबाद दी है कोरोना वायरस केसेज और इससे अमवात के अमेरिका अमरीका पहले नंबर पर है जहाँ इस वायरस से अब तक छह लाख अड़तीस हजार सात सौ अट्ठानवे मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया का कोई कोरोना वायरस की मूजी वबा ऐसी महफूज नहीं इसके मरीजों और इसके बायस अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है दुनिया भर में करोना वायरस ऐसी मुताद की तादाद बीस करोड़ अट्ठासी लाख से तजावुज कर गयी है जबकि इस मोजी वायरस ऐसी अमवात तैतालीस लाख छियासी हजार दो सौ चालीस हो गई, जबकि अठारह करोड़ इकहत्तर लाख तिरानवे हजार दो सौ उनहत्तर से जायदे कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है जहाँ इस वायरस से अब तक छह लाख अड़तीस हजार सात सौ अठानवे मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद तीन करोड़ सतर लाख छत्तीस हजार नौ सौ छियासी हो चुकी है एक अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत करोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है जहाँ इस वायरस से चार लाख बत्तीस हज़ार एक सौ बारह हलाकतें हो चुकी हैं जबकि इससे मुतासरा तीन करोड़ बाईस लाख पचास हज़ार पाँच सौ तेरह मरीज सामने आ चुके हैं तुर्की में करोना वायरस से अमवात तिरपन हज़ार तीन सौ चौबीस तक जा पहुंची हैं जबकि केसेस के साठ लाख छियानवे हज़ार 816 सो हो चुके हैं सऊदी अरब इसी फहरिस में सैतालीसवें नंबर पर पहुंच चुका है जहां कोरोना वायरस से अब तक को लम्बा आठ रिपोर्ट हुई है जबकि मुम्लिकत में कोरोना मरीजों की तादाद पाँच लाख उनतालीस हजार एक सौ उनतीस तक जा पहुँची है टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो ऐसी वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक्टी Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.